कल कर्नाटका के इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद जो लोग बायस थे कि मार्केट आज गैप डाउन होगा, उन लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना चाहिए। देखिए, कल मैंने मार्केट व्यू ऑलरेडी बता दिया था एक दिन पहले कि मार्केट नेगेटिव स्टार्ट हो सकता है, बट ग्लोबली जो न्यूज़ है एंड आज होलसेल प्राइस इंडेक्स डेटा भी रिलीज होने वाला है जिसका एक इम्पैक्ट आएगा एंड निफ्टी हैज़ फॉर्म्ड बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न ऑन वीकली चार्ट्स। तो ये सब को देखते हुए एंड निफ्टी के करंट लेवल्स को देखते हुए टुमारो वी कैन एक्सपेक्ट एन अपसाइड मूवमेंट। इसी के साथ बैंक निफ्टी एंड निफ्टी के इम्पॉर्टेंट ब्रेकआउट लेवल्स एंड वॉच लिस्ट, ये सारे इम्पॉर्टेंट पोस्ट मैं अपनी टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट करता हूँ। आप ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको मिल जाएगा। फ्लैट ओपन हुआ एंड जो हमारे ब्रेकआउट लेवल्स है उसके काफ़ी ऊपर ओपन हुआ, थोड़ा सा नीचे आया एंड उसके बाद 9:36 की कैंडल पर बाई सिग्नल जनरेट किया विच इज़ अकॉर्डिंग टू आर सेटअप। सिग्नल मिलने के साथ प्रीवियस डे के जो हाई है डॉटेड लाइंस है उसको ब्रेक करने के बाद 200 पॉइंट्स का अपसाइड मूवमेंट आया एंड मार्केट ओपन होने के पहले ही मैंने 9:30 पर पोस्ट किया था कि आज की जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव रह सकता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस। एंड देखिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ मार्केट करेंटली गोइंग अप। इफ़ यू चेक 15 मिनट्स चार्ट देन यू कैन क्लियरली सी बाइंग प्रेशर। दिस हैपेंस व्हेन एवरीवन इज़ प्लानिंग फॉर सेल। तो जब पूरे दुनिया बेरिश है तो आप समझ जाइए कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, ठीक है। एंड मैंने एग्जैक्टली वही चीज़ पोस्ट किया था। आज मैंने अपनी टेलीग्राम की लर्निंग चैनल पर कोई भी वॉच लिस्ट नहीं शेयर किया। नॉर्मली मैं अपना वॉच लिस्ट शेयर करता हूँ फॉर लर्निंग पर्पस, ताकि आपको कुछ सीखने को मिले। टुडे आई डिड नॉट शेयर एनी काइंड ऑफ वॉच लिस्ट एंड पुल बैक लेवल्स चैनल पर जो मैंने बैंक निफ्टी की लाइव लेवल्स दिए थे, देखिए एग्जैक्टली उसी लेवल के आसपास आके फिर एक रेजिस्टेंस लिया। जब आप इस इंडिकेटर को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको लाइफ टाइम के लिए पुल बैक लर्निंग चैनल की एक्सेस मिलता है। उसी के साथ 30 डेज आपको फ्री एक्सेस मिलता है पुल बैक लेवल्स चैनल, जहां पर हम लोग बैंक निफ्टी निफ्टी स्टॉक्स एंड क्रूड ऑयल की एक दिन पहले लेवल्स पोस्ट करते हैं अलॉन्ग विद दैट लाइव लेवल्स एंड रिजेक्शन एरियाज। तो यहां पर आप देख सकते हो हमारे पुल बैक प्राइस एक्शन इंडिकेटर के सप्लाई जोन है। क्या ही है सप्लाई जोन? जब आप इस इंडिकेटर को सब्सक्राइब करते हैं आपको चार अलग अलग इंडिकेटर मिलता है जो कि एक ही इंडिकेटर पर मर्ज्ड है। पुलबैक प्राइस एक्शन इंडिकेटर, पुलबैक मोमेंटम इंडिकेटर, पुलबैक रेंज ब्रेकआउट, उसके साथ कुछ कैंडलस्टिक्स पैटर्न एंड स्टॉक स्क्रीनर। तो बिल्कुल जो सप्लाई जोन है सप्लाई जोन को छुआ एंड यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न भी बन रहा है। तो पुलबैक प्राइस एक्शन इंडिकेटर ऑटोमेटिकली ट्रायंगल पैटर्न डिमांड सप्लाई को आइडेंटिफाई करके चार्ट पर प्लॉट कर देता है, आपको अलग से कुछ नहीं करना है। एंड उसी के साथ आपको देखिए काफ़ी सारे और बाई सेल सिग्नल्स भी दिख रहा है, बट ये हमारे सेटअप के अंदर में नहीं है। इस इंडिकेटर को कैसे यूज़ करेंगे, ट्रेड कैसे लेंगे, कहाँ पर एंट्री लेंगे, टारगेट एंड स्टॉप लॉस क्या होगा, कब ट्रेड लेना है और कब ट्रेड नहीं लेना है, आपको इंडिकेटर के साथ सारे स्ट्रैटेजीज़ के वीडियो लिंक मिल जाएगा। तो बैंक निफ्टी पर ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स मिला है हमें। निफ्टी की चार्ट को भी एक बार एनालाइज कर लेते हैं। हमारे दिए गए लेवल्स के काफ़ी ऊपर निफ्टी ओपन हुआ, बाई सिग्नल है बट एज यू नो यहाँ पर हमें कोई कंफर्मेशन नहीं है क्योंकि ये लेवल्स के काफ़ी ऊपर है। निफ्टी पर भी एक अपसाइड मोमेंटम आया एंड जो हमारा प्राइस एक्शन इंडिकेटर है निफ्टी ने सप्लाई जोन को छुआ एंड आफ्टर दैट ए डाउनसाइड रिवर्सल। क्रूड ऑयल की चार्ट को एनालाइज कर लेते हैं। क्रूड ऑयल पर बाई सिग्नल तो मिला है बट टारगेट काफ़ी छोटा है। ये जो आपको बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है दिस विल बी आर फर्स्ट टारगेट, मतलब अगर आप यहाँ पर एंट्री लेते हैं तो दिस विल बी योर फर्स्ट टारगेट। तो क्रूड ऑयल पर एक छोटा सा ही टारगेट अचीव हुआ है। अगर आप मल्टीपल लॉट्स में ट्रेड कर रहे हैं तो आप अपना फर्स्ट लॉट यहाँ पर एग्जिट कीजिए एंड आफ्टर दैट यू कैन ट्रेल द रिमेनिंग लॉट्स। फॉरेक्स यूएसडी गोल्ड स्पॉट, यहाँ पर हमें मिलता है एक बाय सिग्नल विच इज़ अकॉर्डिंग टू आर सेटअप। इस सेल सिग्नल को इग्नोर कीजिए एंड यू कैन सी यूएसडी गोल्ड स्पॉट अभी भी ऊपर जा रहा है, मार्केट इज स्टिल ओपन। तो स्टॉक्स पर एक बार बैक टेस्ट कर लेते हैं। दिस इज एक्सिस बैंक एंड यहाँ पर हमें मिला एक रेंज ब्रेकआउट। दिस इज आर रेंज ब्रेकआउट इंडिकेटर एंड यू कैन सी फ्रॉम 9:19 तक हाई लगाया। ITC अगेन रेंज ब्रेकआउट एंड ट्राइंगल पैटर्न।
तो दिस इज आर डबल कंफर्मेशन ट्रेड एंड यू कैन सी आईटीसी भी अप ट्रेंड में था। मारुति की चार्ट देखिए, अगेन वी हैव गॉट अ ट्रायंगल ब्रेकआउट एंड लुक एट द डाउनफॉल। बीपीसीएल पहले दो सिग्नल को इग्नोर कीजिए क्योंकि ये हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग नहीं है। उसके बाद ऑन दिस कैंडल 10:54 की कैंडल पर जो सेल सिग्नल मिला है, क्योंकि सिग्नल कैंडल बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक के नीचे है, दैट मींस दिस इज एज पर आर सेटअप एंड स्टॉप लॉस होगा आपका यहाँ पे। उसके बाद बीपीसीएल पर जो डाउनफॉल आया है वो एक बार देख लीजिए कितने पॉइंट्स का है। अगर आप स्टॉक मार्केट में डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करेंगे, रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन करेंगे, जहां पर आपके जो लूजिंग ट्रेड्स हैं वहां पर आप छोटे लॉसेस को बुक कर रहे हो, एंड वहीं पे जब ट्रेड आपके फेवर में जा रहे हैं आप बड़ी पॉइंट्स निकाल रहे हो, तो आप मंथ ऑन मंथ एक अच्छा पैसा स्टॉक मार्केट से आप बना सकते हो। अगर आप इस इंडिकेटर को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर है।